अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तैयारी चल रही है खूबा रिटर्न जाने की। उससे पहले मैंने सोचा कि जो भी ग्रॉसरी का आइटम आया वो मैं अनपैक कर दूं, फ्रिज में डाल दूं। और ये स्टिक ऑन नोट स्पेशली मिस्टर सरफराज अहमद के लिए मैं यहाँ पे लगाती हूँ कि उनकी नज़र इस पर जाए और वो अच्छे खिलखिलाते मुस्कुराते हमेशा रहें। और तो टू द ऑल लेडीज़, अगर आपको अपने हस्बैंड के लिए भी ऐसा कुछ चाहिए तो ऐसा स्टिक ऑन नोट लगा दो जहाँ पर उनकी नज़र जाए तो हमेशा खुश रहेंगे। सो वी आर हियर इन खोबर अगेन। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ मीठा खाने। अभी तो प्लान यही बना है कि हम लोग जा रहे हैं वेलोचे, तो वहाँ पे जाके कुछ लाइक कॉफ़ी वगैरह या कुछ पीते हैं और उसके बाद से कॉर्निश की तरफ निकलेंगे। बट अभी हमारा प्लान का कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लाइक सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो इसलिए कुछ कन्फर्म नहीं बता सकते। और हम पार्किंग की तलाश में भटक रहे हैं क्योंकि पार्किंग नहीं मिली है और कहीं पे भी नहीं लगा सकते पार्क। अभी एक राउंड वो करके आ गए, हम सामने वाले घर की तरफ से एक राउंड करके आ गए, हमारा सेकंड राउंड है पार्किंग ढूंढने का। देखते हैं कहाँ मिलती है। हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं और हमारी बेबी का इंजॉयमेंट इधर चल रहा है। अच्छा है, वो अपने में ख़ुद में ही इंटरटेनमेंट ढूंढ लेती है, लाइक कुछ उसे कुछ और नहीं चाहिए, किसी और का साथ नहीं चाहिए, वो अपने आप में ही हैप्पी रहती है। सही है। अरीशा को इंडिया की इतनी आदत हो गई कि वो बार बार कह रही फ्रंट सीट पे बैठा हो और यहाँ पे बच्चे फ्रंट सीट पे अलाउड ही नहीं है। अभी भी वो मतलब मस्ती में है कि कैसे भी उसको चांस मिल जाए आगे फ्रंट सीट पे बैठने का। फ्रंट पे बैठने, ओ छी, ओ यक, ईशु, यू आर सो डर्टी। और हमने अपने गेस्ट को ड्रॉप कर दिया है, अब हम जा रहे हैं अजदान वॉक क्योंकि जाना था हमें कॉर्निश की तरफ ही जा रहे हैं। बट ये रही कॉर्निश की लाइन, बट बाहर गर्मी बहुत है, अभी निकले थे तो लाइक अंदाज़ा हुआ कि बाहर निकलने लायक नहीं है क्योंकि अभी बोर हो जाएंगे, सारे मूड ख़राब हो जाता है लाइक बाहर अगर गर्मी होती है तो इसलिए भीड़ भी नहीं है, क्राउड भी नहीं है, ज़रा भी कोई पब्लिक ही नहीं नज़र आ रही कॉर्निश पे, तो बेटर ही नहीं, फ़ायदा ही क्या जाके। फिर हम लोग चलते हैं अजदान वॉक, चलते हैं थोड़ा वॉकिंग करेंगे, वीडियो बना के फिर चले आएंगे, क्या करना है। चलो अरे बारिश है, चलो पता है बारिश है, बारिश नहीं है बेबी, हर जगह बारिश थोड़ी ना होती रहती है। चलो अब चले, आ जाओ, चलो 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 लिफ्ट में ले जाऊंगी, चलो लिफ्ट में ले जाऊंगी बेबी, आ जाओ।
पब्लिक आज कम है हर जगह, शायद से लग रहा है गर्मी की वजह से या हमें रात हो गई है ज़्यादा इसलिए। वैसे खोबर में तो लेट नाइट लोग निकलते हैं। सफू कहाँ जा रहे हो यार, रुको तो, अरीशा पीछे ही है। रिशु जम बहुत पसंद आई है इसको ये लाइट। सबको यहाँ पे पिक्चर चाहिए, पर पीछे नहीं देख रहे हो कि कोई अलग ही पोज दे रहा है। वैसे भी ये जगह मुझे बहुत पसंद है, जब भी हम लोग खोबर आते हैं मैं सफ़ू को ज़रूर कहती हूँ कि यहाँ पे एक राउंड लगाते हैं, तो इसलिए आज भी आए। अभी निकलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 1 बज गया है, सो बेटर है कि ज़्यादा देर होने से पहले हम घर निकल जाएं, वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, सफ़ू को नींद आने लगे शायद। वैसे मैं तो बहुत बेस्ट नाइट आउल हूँ, मुझे रात का जगने और जगाने वाला काम कोई दे दे तो बहुत मज़े से करूँगी। और अभी तो हम सीधा जा रहे हैं टी टाइम जा रहे हैं चाय पीने, क्योंकि लाइक अगर सफ़ू को नींद ना आ जाए इसलिए। वैसे देखते हैं क्या सीन है, और 100+ किलोमीटर ड्राइव करना है इसलिए ज़्यादा लाइक रिस्क भी नहीं ले सकते, टाइम से निकलना ही बेटर है, तो निकलते हैं अब। ये कौन है बाबा? पीप पीप। और उड़ती उड़ती खबरों से मुझे अभी पता चला है कि जो सामने चमचमाती इमारत खड़ी है उसका कॉस्ट, उसके अपार्टमेंट के कॉस्ट 1.8 मिलियन है। वाओ। और आज की ट्रिप यहीं पे होती है ख़त्म, अब हम सीधे जा रहे हैं घर, और स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट ट्रिप कि हम कहाँ जा रहे हैं या हम कहाँ पे निकल रहे हैं अपना आउटिंग के लिए। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, तो आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमारे न्यू अपडेट्स की। सो